राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा महासचिव जफर नेता उर्फ नेताजी के नाम से जाने जाने वाले हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि कल का दिन ईद का है, इस मौके पर वो यहाँ की आवाम को किस तरीके का पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ एक्सप्रेस के चैनल के माध्यम से सभी हिंदुस्तानी भाइयों को, खास करके मुंबई प्रदेश के और हिंदुस्तान के हर उस भाइयों को सबसे पहले मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद ईद उल फितर। जैसा कि नेताजी, अब एक पहलू ऐसा आया है कि सियासत गरमाई है और महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जैसा कि आप भी उसी सरकार के, उसी पार्टी के हिस्से हैं। एक एजेंडा उठाया है राज ठाकरे ने कि जिस मस्जिद में भोंगा लगा रहेगा उसके बाहर ही हम हनुमान चालीसा करेंगे, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये उनका पर्सनल बोलना है और वो बड़े लीडर है, वो बोल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन देश किसी एक बात से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और अगर उनको हनुमान चालीसा बजाना है तो उनको पूरा बजाने का हक है, उनकी मंदिर में वो बजावे, दिल खोल के बजावे, भोंगा लगा के बजावे या डीजे लगा के बजावे, उनको बजाने का हक है। हमारी मस्जिद है, वहाँ 5 वक्त की अजान होती है, वो होएगी और देश जो है संविधान से चलेगा, न कि किसी की राजनीति से चलेगा। जो संविधान का कहना है, जो संविधान हमको बोलेगी, हम सब लोग मिलके उसको फॉलोअप करेंगे ना। जो संविधान का 5 वक्त की अजान होती है वो होगी, आज से नया तो अजान हो रही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई के मुद्दे को दबाने के लिए एक नया मुद्दा उठाया गया है कि कोई महंगाई पे ना बोले, कोई बेरोजगारी पे ना बोले, कोई गैस बाटले की इतनी हो गई है, घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए इतनी दिक्कत और परेशानी हो गई है, इतने का बाटला हो गया, महंगाई हो गई है, बेरोजगारी है, तो इस मुद्दे को दबाने के लिए भोंगे का मुद्दा उठाया गया। कोई मुद्दा थोड़ी ना, ये कोई इशू थोड़ी ना, ये तो सिर्फ जबरदस्ती लिया गया कि लोग महंगाई पे बोले ही नहीं और भोंगा भोंगा चिल्लाए, भोंगा भोंगा चिल्ला रहा, पूरा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है, और लोग ऐसे हैं जो महंगाई पे नहीं बोल रहे, भोंगे पे बोल रहे। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, उसको ना देखते हुए लोग भोंगे के मुद्दा पकड़ के बैठे रहे। हाँ, इसलिए लोगों को एक लॉलीपॉप जैसा काम। ये ऑफकोर्स यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यही काम है कि महंगाई जब एकदम आसमान छूने लगती है और लोग हाहाकार मच जाता है हिंदुस्तान की आवाम में, जब आवाम को एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, आवाम को एक लॉलीपॉप पैदा कर दिया जाता है कि तुम इस चीज को बजाओ, आज ये भोंगा बज रहा है, कोई मुद्दा नहीं है ये। जैसा कि नेताजी, कल ईद का त्यौहार है और आप एक युवा नेता हो, तो यूथ पीढ़ी को क्या पैगाम पहुंचाना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से पूरी यूथ पीढ़ी को यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ये 30 रमजान गुजरा है, हम लोगों ने रोज़ा रखे, ये पवित्र महीना था, हमने अपने रब की इबादत की है और कल ईद है, उसी का तोहफा अल्लाह ने हमको दिया है। हम पूरी आवाम को अपनी तरफ से ही ऐसा प्यार और मोहब्बत का तोहफा दे कि लोग हमसे अच्छा सलूक करें और हम उनके साथ अच्छा सलूक करें। ईद का मतलब यही है, ना कि किसी के बहकावे में आए, ना किसी के बोलने पे आए, लोग जो जैसा कर रहे उसको करने दो, लेकिन मेरी आवाम यूथ से यही कहना है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। ये थे हमारे साथ जफर नेताजी, जिनका कहना है कि ईद का जो त्यौहार है एक मोहब्बत पहुँचाने का पैगाम है। मेहरी शेख, न्यूज़ प्लस मुंबई।